हम बात कर रहे हैं HMA एग्रो की। आज के दिन की बात करें तो छोटी मोटी गिरावट के साथ हम देख सकते हैं स्टॉक जो है 50.70 रुपीज़ पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है। बाउंस बैक किया था स्टॉक ने, आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था 54 के लेवल को मेजर रेजिस्टेंस के तौर पर। ऑलमोस्ट उसी के आसपास से स्टॉक ने रिजेक्शन लिया है और गिरावट आ रही है। तो अब 50 का जो लेवल है इसके लिए इमीडिएट सपोर्ट है, जहाँ ट्रेड कर रहा है वहाँ से ब्रेक डाउन कर जाता है तो जहाँ से स्टॉक ने बाउंस बैक के साथ रिकवरी दिखाई थी 48 का लेवल सबसे आखिरी सपोर्ट रहेगा। अगर इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर गया तो उसके बाद और बड़ी गिरावट फिर 44 से लेके 40 तक का भी फॉल स्टॉक दिखा सकता है। लेकिन चांस बनेंगे आप 50 के लेवल से बाउंस बैक के। 50 के लेवल से अगर स्टॉक बाउंस बैक करता है तो इमीडिएट टारगेट जहाँ स्टॉक सपोर्ट ले आया था, अगेन रिजेक्शन भी फेस किया था, 52 का लेवल यानी इसी के आसपास से जहाँ ट्रेड हो रहा है उसी के आसपास से बाउंस बैक करता है 50 या 50-50 के आसपास से, तो वैसे कंडीशन में इमीडिएट टारगेट है 52 का लेवल। ब्रेक डाउन कर गया तो 53-54 का लेवल। और यहीं पर स्टॉक की HMA एग्रो की जो है ट्रेंड है वो अटका पड़ा है 54 का लेवल। ये इम्पोर्टेंट और मेजर रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर रहा है HMA एग्रो के लिए। इस लेवल का ब्रेकआउट और इसके बाद इसके ऊपर 2 से 3 दिन सस्टेन होना इम्पोर्टेंट है 54 के ऊपर। अगर स्टॉक 54 के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो वैसे कंडीशन में फिर यहाँ से हमको तेज़ी दिखाता नज़र आ सकता है। फिर नेक्स्ट टारगेट 56 का लेवल और इस बाउंस बैक के साथ फिर 60 तक का भी जंप स्टॉक दिखा सकता है। जहाँ से इससे पहले रिजेक्शन लिया था वहाँ तक के भी फिर टारगेट दिखा सकता है। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहे। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।